वेलकम टू द चैनल ज्ञापन अकेडमी। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि रासायनिक समीकरण क्या है और उसके लिखने के नियम क्या है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसको किस तरह संतुलित किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है। मान लीजिए आप कोई अभिक्रिया करा रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इसे क्या मिल रहा है, 2HCl मिल रहा है। तो इसमें देखिए, आप जानते हैं ना कि अभिकारक किसे कहते हैं, क्योंकि बता चुकी हूँ मैं, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व होते हैं, यानी कि H2 और Cl2, ये क्या है, अभिकारक है, और ये प्रतिफल है यानी कि प्रोडक्ट है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। अभिकारक कितने हैं, हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, दो हैं। क्लोरीन कितना है, दो है। हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, दो। क्लोरीन का परमाणु दो। ठीक है, ये क्या हो गए, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है 2HCl, तो इसमें भी देखिए हाइड्रोजन कितना है, अब प्रतिफल में दो। क्लोरीन भी कितना है, दो, क्योंकि यहाँ पर टू लिखा है। तो इधर भी दो दो हाइड्रोजन और क्लोरीन, और इधर भी हाइड्रोजन क्लोरीन दो ही है। इसका मतलब अभिक्रिया के पहले भी दो, अभिक्रिया के बाद भी दो। इसका मतलब ये जो समीकरण है वो संतुलित है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अभिकारक और प्रतिफल दोनों का जो तराजू है वो बिल्कुल संतुलित है, बैलेंस्ड है, इसीलिए इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, आगे है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे कि देखिए, इधर अभिकारक ले लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, तो हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन भी दो है, किधर, अभिकारक में। और प्रतिफल को देखिए, इधर हाइड्रोजन दो है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, एक है। यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यानी कि ये जो है तराजू बैलेंस नहीं है। तराजू मतलब समीकरण बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन दो है, इधर एक है। तो इसे क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कैसे संतुलित किया जाता है। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। अगर कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण है, मान लीजिए H2+O2 ≡ 2H2O, तो ये असंतुलित है, तो इसमें क्या हर्ज है, क्यों संतुलित करें हम, ये सवाल आता है। तो देखिए, संतुलित इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें कहता है कि अभिक्रिया के पहले अभिकारकों का भार और अभिक्रिया के बाद जो हमें प्रतिफल मिलता है, प्रतिफलों का भार बिल्कुल इक्वल होता है। समझाती हूँ, मान लीजिए आपने लाल कलर लिया, कितना, 50 ग्राम, और सफ़ेद कलर लिया आपने 50 ग्राम, ठीक है। इससे क्या बना, मान लीजिए गुलाबी बना, गुलाबी कितना मिलेगा, टोटल 50 50, 100 ग्राम। तो ये क्या हो गए, ये अभिकारक हो गए, ये प्रतिफल हो गए। अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना है, 50 50 100 ग्राम, और जो हमें प्रतिफल मिला है उसका द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। यानी कि जब आप भले ही अभिकारक अलग अलग लिए थे, 50 ग्राम लाल लिए थे, 50 ग्राम सफ़ेद लिए थे, दोनों को मिलाकर 100 ग्राम हुआ ना, यानी कि 100 ग्राम आप अभिकारक लिए और उससे जो आपका प्रोडक्ट मिला गुलाबी कलर, वो भी 100 ही ग्राम था। यानी कि जितना आप लेंगे अभिक्रिया से पहले, उतना ही आपको अभिक्रिया के बाद भी आपको द्रव्यमान मिलेगा। मान लीजिए एक और एग्जांपल लीजिए घरेलू टाइप का, 1 किलो आटा लिया जाए और आधा किलो उसमें पानी डालकर उसको गूँथा जाए, टोटल कितना हुआ, 1.5 किलो। 1.5 किलो आप सान रहे और उसको गूंथ कर डो बना दिए, यानी कि गूथा हुआ आटा बना दिए, तो गूथा हुआ आटा आपको कितना मिलेगा, 1.5 किलो ना मिलेगा, क्योंकि आप तो अभिक्रिया से पहले कितना लिए थे, 1.5 किलो, अभिक्रिया के बाद में आपको 1.5 किलो मिलेगा। ठीक है, वही बात होता है आपको रासायनिक समीकरण में। जब कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान रहता है, उतना ही द्रव्यमान आपको अभिक्रिया के बाद भी मिलता है, ये ध्यान रखना है। और यही वजह है कि किसी भी रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कैसे संतुलित किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल ली हूँ मैं, H2+O2 ≡ H2O। जरा देखिए, ये संतुलित है, इधर हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन दो है, इधर देखिए ऑक्सीजन एक है
और हाइड्रोजन कितना है? 2 है ये वाले में। क्या ये संतुलित है? नहीं है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन इधर 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। इसको संतुलित कैसे करें? जो असंतुलित है ना उसको संतुलित कीजिए। सबसे पहले ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इधर ऑक्सीजन 1 है तो इसको 2 बनाएंगे ना, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर मैं क्यों 2 लगाऊँ, मैं तो यहाँ पर भी 2 लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी 2 लगा सकती हूँ, लेकिन नहीं, रूल कहता है कि आप ना यहाँ पर 2 लगाएंगे ना यहाँ पर 2 लगाएंगे, आप हमेशा ये वाले स्थान पर 2 लगाएंगे। यहाँ पर 2 लगाकर जितना ऑक्सीजन जितना हाइड्रोजन बनाना है बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन देखिए 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन किधर हो गया, कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन अब देखिए हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 4 हो गया। और ये वाला में देखिए हाइड्रोजन 2 ही है और ऑक्सीजन 2 ही है। अब इसको संतुलित कीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, अब 2 2 जब 4 हो जाएगा ना, 4 इधर भी 4 हो गया और इधर भी 4 हो गया, हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। समझ में आया? मतलब जो तत्व जो एलिमेंट संतुलित नहीं है सबसे पहले उसको संतुलित कीजिए। यहाँ पर एक और एग्जांपल से समझिए, Mg+HCl एरो MgCl2+H2, इसको कैसे संतुलित करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पर Mg कितने तत्व हैं, अब इसको मैं मिटा देती हूँ। इधर देखिए Mg कितना है, इधर 1 है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है? 1 ही है, क्लोरीन यानी कि Cl भी 1 ही है। इधर ध्यान दीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? Mg 1 है, क्लोरीन कितना है? 2 है और हाइड्रोजन कितना है? 2 है। संतुलित है, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम संतुलित है Mg। हाइड्रोजन कितना है? इधर 1, इधर हाइड्रोजन 2, ये संतुलित नहीं है। क्लोरीन भी संतुलित नहीं है क्योंकि क्लोरीन इधर 1 और इधर 2, तो इसको संतुलित कीजिए। इधर क्लोरीन को क्या बनाना पड़ेगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन, इधर 1 1 है, इधर हाइड्रोजन क्लोरीन 2 2 है, यानी कि इधर को हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्या बनाना है? 2 बनाना है, तो आप यहाँ पर 2 सिर्फ लगा दीजिए, हो गया आपका बैलेंस। हाइड्रोजन कितना हो गया देखिए? 2 हो गया और क्लोरीन कितना हो गया? ये भी 2 हो गया। अब फिर टोटल एक साथ मिलाइए, मैग्नीशियम इधर 1 इधर भी 1, क्लोरीन कितना? 2 इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 2 इधर भी हाइड्रोजन 2, ठीक है। ये भी देख लीजिए, इसको भी एग्जांपल मैं लिख दी हूँ, इसको भी देख लीजिए AlCl3CaOH2ArrowL, क्या ये बताइए संतुलित है? नहीं है संतुलित। इधर देखिए Al यहाँ पर Al कितना है? 1, एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन कितना है? 3 है, क्यों यहाँ पर 3 लिखा है। Ca कैल्शियम कितना है? 1 और OH OH कितना है? 2। या इधर देखिए, इधर क्या है? इधर एल्युमिनियम कितना है? 1, OH 3 है और कैल्शियम 1 है और Cl2 कितना है? 2। संतुलित है एल्युमिनियम 1, क्लोरीन संतुलित नहीं है क्योंकि इधर क्लोरीन 2 है, Ca कैल्शियम भी संतुलित नहीं है, तो क्या करेंगे इसको? सबसे पहले संतुलित करेंगे जो आपको टफ लग रहा है। देखिए यहाँ पर आपको टफ लग रहा होगा, ठीक है, जो ज़्यादा भारी है वहीं पर संतुलित। यहाँ पर 2 है ना, एक और ट्रिक समझाती हूँ, जहाँ 2 और 3 लिखा हो, ठीक है, जहाँ 2 और 3, देखिए यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, तो ठीक उसके सामने यहाँ पर लगा दीजिए 2 और यहाँ पर लगा दीजिए 3, 2 के सामने 3 और 3 के सामने 2 हो जाएगा। देखिए 3 कैल्शियम हो गया, यहाँ पर 3 कर दीजिए कैल्शियम, OH2 कितना हो गया? 3 2 6, यहाँ पर 6 हो गया। उसी तरह यहाँ पर एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम 2 हो गया और OH2 कितना हो गया? 3 2 6, ठीक है, तो OH6 हो गया, OH6 हो गया। हाइड्रोक्साइड कितना हो गया? इधर भी 6 इधर भी 6, ठीक है। अब बात आती है एल्युमिनियम की, इधर एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? CaCl2 है, Ca इधर 1 है और इधर 3 है, तो यहाँ पर भी आप 3 लगा देंगे, 2 के सामने 3 और 3 के सामने 2, हो गया सिंपल। जहाँ पर 2 रहेगा उसके सामने 3 लगाइए, 3 रहेगा तो 2 लगाइए, ये सिंपल ट्रिक है, हर समीकरण में देखा जाता है, ठीक है।
तो ये हो गया आपको आपका अभिक्रिया संतुलित। तो आप यहाँ पर समझ गए कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, और संतुलित करने का मेथड है अनुमान द्वारा संतुलित विधि, बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, समझ में आ गया। अगर और इससे रिलेटेड आप लोग घर पर क्वेश्चन बनाइएगा बुक से देखकर, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।